जो तो, तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास एट का मैथ जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज फाइव पॉइंट थ्री इसके पहले की जो मैंने वीडियो डाली है आई होप आपने देखा होगा पहला क्वेश्चन है इसमें वॉट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल सी बात है ये जिस इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसका वंस डिजिट क्या होगा है ना वो हमें देखना है तो इसको समझने की कोशिश करो वंस डिजिट होता है कैसे लाइक like, पहले तो हम सबके स्क्वायर्स का देखेंगे है ना से मैंने यहाँ पे लिखा कोई भी लिट से यहाँ पे टू से वन से शुरू करते हैं। one, one वन वन का स्क्वायर वन टू का स्क्वायर फोर थ्री का स्क्वायर नाइन फोर फोर जा सिक्सटीन फाइव 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 जहा ट्वेंटी फाइव एंड सिक्स सिक्स जहाँ थर्टी सिक्स सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन एंड एट एट जा सिक्सटी फोर नाइन का एट्टी वन एंड टेन का हो जाएगा हंड्रेड तो सबके वंस प्लेस देखो सिक्स फाइव सिक्स नाइन फोर वन ज़ीरो अब यहाँ पे देखना ये वन है इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो यहाँ पे वन है तो आप सोचो कौन सा अगर वन प्लेस पे कोई भी नंबर होगा उसका वन किस किस में आ रहा है एक तो वन हो सकता है और एक स्क्वायर में नाइन के स्क्वायर में वन आ रहा है दैट मीन्स कि इसका जो पॉसिबल डिजिट होगा यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट जो भी है वो इक्वल टू होगा वन या फिर नाइन के ठीक है उसमें यही लिखना है राइट डाउन पहले का आंसर वी नो we know the, we know that the we know that the units digit unit units digit of the square of the square of a number having digit as unit place वन इज वन एंड ऑल्सो नाइन इज वन जितना मैंने अभी बोल के समझाया ना बस वही वर्ड्स में लिख दिया तो यही पैराग्राफ आपको सारे क्वेश्चन में लिख देना है वी नो दैट द यूनिट डिजिट ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर हैविंग डिजिट एज एनिट प्लेस वन का वन का स्क्वायर वन होता है जिसका यूनिट डिजिट होगा एंड नाइन का स्क्वायर एटी वन होता है तो वन जो है वो उसका यूनिट डिजिट हो गया तो सिंपल सा इसमें आंसर यही हो जाएगा या तो वन होगा आंसर वन और नाइन वन या फिर नाइन यूनिट डिजिट होगा सेम यहाँ पे सिक्स है राइट तो सिक्स देखो किस किस में आ रहे हैं सिक्स एक तो आ रहे हैं फोर में एंड एक सिक्स में तो आपको क्या पैराग्राफ लिखना है वी नो दैट द यूनिट डिजिट ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर हैविंग डिजिट एज ए यूनिट प्लेस फोर यहाँ पे हो जाएगा फोर सेकेंड क्वेश्चन में फोर इज सिक्स एंड यहाँ पे सिक्स इज सिक्स तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेकेंड का आंसर फोर और सिक्स ठीक है आई होप आपको समझ में आएगा नाउ थर्ड थर्ड में देख सकते हैं यहाँ पे वन है तो थर्ड का भी आंसर वही हो जाएगा जो हमने पहले का लिखा है One, और नाइन क्वेश्चन नंबर फोर में क्या हो जाएगा फाइव है यहाँ पे देख सकते हैं तो फाइव देख सकते हैं सिर्फ एक ही केस में आ रहा है फाइव तो इसमें हो जाएगा ओनली फाइव है ना वी नो दैट द यूनिट दूनिटन डिजिट ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर हैविंग डिजिट एज यूनिट प्लेस इज फाइव प्लेस फाइव इज फाइव सिंपल सा बस यही लिख देना है इसको फाइव लिख देना है आई होप क्वेश्चन नंबर वन क्लियर हुआ होगा नाउ क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू में इन्होंने बोला विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर तो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है तो जस्ट आपको ये समझना है कि वी नो दैट यूनिट डिजिट इज हैविंग जीरो टू थ्री सेवन एट आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर सिंपल सा बात है इतना याद रखना है कि अगर किसी भी नंबर में लास्ट में अगर यूनिट प्लेस जो है जीरो है या फिर टू है या फिर थ्री है या फिर सेवन या फिर एट है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो सिंपल सा देख सकते हैं ये भी नहीं है एंड ये भी नहीं है ये भी नहीं है और ये फोर फोर्टी वन है क्योंकि वन हमें जो याद रखना है जीरो टू थ्री सेवन एट अगर है वहाँ पर एंड यूनिट प्लेस पर दैट मीन्स कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है आई होप आपको क्वेश्चन नंबर टू क्लियर होगा जैसे इसमें यही लिख देना है ठीक है नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री में फाइंड करना है स्क्वायर रूट्स ऑफ हंड्रेड एंड वन सिक्सटी नाइन बाई मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्ट इसमें करना होता है हमें जो ऑड नंबर्स होते हैं ना उनको सब्ट्रैक्ट करते हुए चलना होता है तो हंड्रेड में से हम ऑर्ड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड वन सिक्सटी नाइन में से भी हम वन ऑर्ड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हुए उसके uh, स्क्वायर रूट्स तक पहुँचेंगे तो चलिए इसको करते हैं मैंने जैसे यहाँ पे लिखा हंड्रेड तो हंड्रेड को पहले फाइंड आउट करते हैं हंड्रेड में से आपने वन सब्ट्रैक्ट किया तो आपका आंसर आएगा नाइन्टी नाइन फिर नाइन्टी नाइन में से अगर आप थ्री को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा नाइन्टी सिक्स फिर नाइन्टी सिक्स में से आपको फाइव सब्ट्रैक्ट करना है तो आंसर आ जाएगा नाइन्टी फाइव नाइन्टी फाइव में से आपको फिर क्या करना है सेवन सब्ट्रैक्ट करना है तो आंसर आएगा 84 फोर एटी फोर में से अब आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है नाइन तो आंसर आ जाएगा सेवेंटी फ़ाइव ना सेवेंटी फाइव माइनस थर्ट इलेवन तो आंसर आएगा सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर माइनस एलेवन के बाद थर्टीन तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे फिफ्टी वन ना नेक्स्ट हो जाएगा फिफ्टी वन माइनस फिफ्टीन फिफ्टी वन माइनस फिफ्टीन ठीक है तो आंसर आ जाएगा फिफ्टीन सब्ट्रैक्शन के बाद थर्टी सिक्स ना थर्टी सिक्स माइनस सेवनटीन आंसर आएगा आपका नाइनटीन नाइनटीन माइनस नाइनटीन इज इजक्वल्स टू ज़ीरो तो देख सकते हैं ये कितने हो गए काउंट करिए इसको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन हो गया तो दैट मीन्स कि यहाँ पे लिख सकते हैं आप हंड्रेड इसका रूट इक्व टू टेन है ना इस तरीके से हमने हंड्रेड का रिपीटेड एडिशन के थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के थ्रू फाइंड आउट कर लिया स्क्वायर रूट नाउ वन सिक्सटी नाइन का भी ऐसे करेंगे राइट डाउन वन सिक्सटी नाइन वन सिक्सटी नाइन करने के लिए आपको क्या करना है आई डोंट वन सिक्सटी नाइन माइनस वन आंसर आएगा वन सिक्सटी एट वन सिक्सटी एट माइनस थ्री आंसर आएगा वन 168 सिक्सटी फाइव वन सिक्सटी एट माइनस फाइव आंसर आएगा वन सिक्सटी वन सिक्सटी एट वन सिक्सटी फाइव है यहाँ पे ना वन सिक्सटी 160 वन सिक्सटी माइनस सेवन आंसर आएगा वन फिफ्टी थ्री वन फिफ्टी थ्री माइनस नाइन आंसर आएगा इसको सब्ट्रैक्ट करने पर वन फोर्टी फोर ना वन फोर्टी फोर माइनस इलेवन आंसर आएगा वन थर्टी थ्री वन थर्टी थ्री माइनस फिफ थर्टीन आंसर आएगा वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन इक्वल्स टू वन ज़ीरो फाइव वन ज़ीरो फाइव माइनस सेवेंटीन आंसर आएगा एटी एट एटी एट माइनस एटी एट माइनस नाइन्टीन आंसर आएगा आपका सिक्सटी नाइन ठीक है सिक्सटी नाइन माइनस ट्वेंटी वन इज़ फोर्टी एट फोर्टी एट माइनस ट्वेंटी थ्री इक्व टू ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव इक्व टू ज़ीरो तो इस तरीके से हमने इसका भी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के थ्रू फाइंड आउट कर लिया स्क्वायर रूट तो आपके देख सकते हैं इसको काउंट करके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन थर्टीन टाइम्स में ये जीरो आया है ठीक है तो ये इसके आगे लिख सकते हैं वन सिक्सटी नाइन रूट इक्वल्स टू थर्टीन देट मीन्स थर्टीन का स्क्वायर वन सिक्सटी नाइन ये तो हमें भी पता था लेकिन हमें रिपीटेस अप्रैक्शन के थ्रू इसको शो करना था तो हमने शो कर दिया